अभी हम लोग देख रहे बिग बॉस। अब देखना इतना शरीफ बन जाएगा ये, इतना शरीफ बन जाएगा ये कि पूछो मत। गाइस इसके नाखून देखो नाखून खाता है ये, नाखून भी है क्या असली में भी? देखो बिल्कुल चुप, अब कुछ नहीं बोलेगा, 1% भी है। अम्मा अच्छी से लाओ गुदगुदी, बढ़िया उठी मोटी उठी। इसके तो चलती भी नहीं है। कितनी रोक रही, कोशिश कर रही है, देखो ये तो कितनी रोक रही, कोशिश अब ये ऐसा नाटक करेगा। लो ऐसा बोल दो। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम टू माय चैनल। मेरी आंखें नहीं खुली लेकिन फिर भी मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश करूँगी। सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, और नया साल है, नई शुरुआत करते हैं। जल्दी उठ गई हूँ मैं, बाहर कोहरा बहुत ज़्यादा है। ओ भाई दादाजी, क्या खासा मौसम है। ये देखो पापा, और कोई देखो, चाय पी रहे हैं और सब। गाय भी ताव खा रही है यार, कितना मौसम ऐसा है। आपको एक और मछली सिखाता हूँ, इतना अच्छा मम्मी ने बनाया है ना एक को। देखो मम्मा ने इतना प्यारा बनाया, अगर आपको एक रेसिपी चाहिए तो बताऊँगी। बहुत पहले ये देखो खींच, ठंड में मज़ा आ जाएगा। और कल रात हमारे आलू के पराठे बनाए थे, जब कोई नहीं खाएगा उसको। एंड या अब आप लोगों से बाद में मिलूंगी। हाँ उसके पहले इसका ये बता देती हूँ, ये बहुत लोगों को अलग लग रहा होगा। सो हमारा ये जो होल था ये बाद में बना था, इधर वॉशरूम्स थे। सो हमने पार्टीशन कर दिया है इससे, अभी थोड़ा और ऊपर तक जाएगा, हमने रुकवा दिया है काम से, पूरा ऊपर तक जाएगा ताकि ये कवर हो जाए। और यहाँ पे इधर की साइड गेट लग जाएगा, सो ये ऐसा कवर हो जाएगा। ऐसा ही होता है गाइस, जब आपका भैया भैया आ जाता है तो आपको भाव मिलना कम हो जाता है। देखो हाय हाय कैसे वे। तो अभी मेरी ऐसी हालत में ठीक है, आंटी जी वगैरह आ गई है पोछा लगाने वाली। मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो है, सो अभी चलते हैं दादी माँ को विश करते हैं। ओ दादी माँ राम राम। अरे शक्ल तो दिखा, अति ठंड लग रही जगह है। हाँ गिच्ची 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 गिच्ची। ये पैर कहाँ जे, पैर तो दिखा, नया साल के राम राम तो कहा था, कहाँ जे नया साल को राम राम। चलो उठ जा, चलो उठो। अरे ना तो बटे जो दवाई खा ली का, खाली बली थी ऐसे लग रही। फिर खींच खाओ रे जी पुत्तो यार। ओ तो खा तो करना यार, खींच बना तो बाहर बनाया छे ना। चला फिर, अब कदनिंग देर भी खाया है मतलब। हां ना खा क्यों मोड़ा खा ना। दादी मां नया साल के दिन पिज्जा भी देओ छ, नया साल के दिन ढोक दो पिज्जा भी दे दादी मां। फिर खाच मारा दा दादी माँ, दवा ला दे। दादी माँ इट्स लाइक पैसे के लिए। नो 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 नो। सो मैंने विश कर दिया है, पापा को बाहर करके आ गया। और
क्या करें, टोपा लगाते हैं, वूलन डालते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड है यार। और आपके यहाँ पे मुझे कमेंट करके बता, ऐसा कुछ होता है क्या? सो हमारे होता है कि हमारे जो दादी जी हैं उनकी चिट्ठियाँ हैं, सो इसीलिए मैं ना न्यू ईयर भी नहीं मना पाई थी अच्छे से, क्योंकि बड़ी दादी वगैरह का ही सीन हो गया था। सो इट्स ओके, लाइफ है, चलती रहती है। और उनका कल दिया ही निकला था, सो आई थॉट कि नहीं मनाना चाहिए, इस बार सिंगल रह जाना चाहिए। कोई नहीं, इट्स ओके, नया साल बार बार आएगा। और ये मेरे हाथ में ना वो इलेक्शन का लगा हुआ है, अभी तक मेरा फर्स्ट वोट अभी तक भी नहीं गया यार। इसको मैंने कितना निकाल दिया बट निकल ही नहीं रहा है। और बताना किन किन लोगों के अभी तक भी ऐसा सिस्टम है हमारे गाँव में, तो है भाई ये शौक संदेश जाने का। सो अभी सबके पेट छू लिया है बिकॉज न्यू ईयर पे, इट्स अ गुड थिंग टू टच एल्डर्स फीट आई गेस। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक लग रही है मुझे अभी, बट जो भी, तो चलो आंटी जी को भी अपना काम करने देती हूँ, क्योंकि उनको व्लॉग में लाना यार अच्छी बात नहीं है, उनको थोड़ी शर्म से आती है। सो बाद में कॉल करते हैं। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. डोपा लगाने के बाद ये जो दुख है ना, ये लगाने का, ये बहुत ही अलग होगा, बट इट्स ओके, लेट्स गो, खाते हैं। सो हाँ, पहले मैं आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ, हैप्पी न्यू ईयर, और आपका साल ऐसा ही बहुत अच्छा निकले। सो मेरा 2023, मम्मी इधर आओ ना एक मिनट बैठो, मेरी ऑडियंस को बताओ कि आपका 2023 कैसा निकला? अच्छा निकला है। अच्छा निकला, बस ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, पर ठीक, क्योंकि ज़्यादा अच्छा तो जब होता जब मैं ठीक रहती। हाँ, बहुत मेरे पैर में फ्रैक्चर, 6 महीने से फ्रैक्चर चल रहा है, तो अच्छा कैसे है मेरे लिए? मेरे लिए तो अच्छा था, लेकिन जब से इसके लगी तो फिर मम्मा के मेरे को भी काम करना पड़ा ना, इसलिए थोड़ा सा भर गया। बाकी 2024 हो, बहुत अच्छा है ना। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू बोलते हैं। चलो अब खींच खाएंगे। आज क्या लोगे गिफ्ट में? पता है, मैंने दादी माँ का, दादी माँ से कहा ऐसे, दादी माँ पीछा था न्यू ईयर आ गया, दादी चुप, पहले बढ़िया बात की, दादी माँ ढोक मान के राम राम, तो खुश। मैंने कहा दादी माँ पीछा दादा, फिर चुप। गाइस कमेंट करना अगर आपके भैया और वॉशरूम से फ्रेश होने से 2-2 घंटे तक नहीं निकलते। मेरे तो सारे भाई ऐसे ही हैं। बन चुका है ये हमारा खीच। मम्मा ये किसका बनाया आपने, मक्के का या फिर गेहूं का? आटे का ही बनाते हैं बेटा हम, ज़्यादा वही खाते हैं ना। मक्के का भी बनता है लेकिन हम खाते हैं इसे आटे का ही ज़्यादा है ना। सो अगर पहले ही तेल पहले लगाने से कुछ ऐसा मायने नहीं होता, बस ये चिपकता नहीं है, तो जो हमारी आंटी जी धोने वाली हैं उनको इजी रहती है, और पहले मम्मा को इजी रहती है। सो ये ट्रिक है, इसको ऐसा लगा के और फिर आप मस्त, ये मुझे लग तो कुछ हो नहीं रहा है, मेरे लोगों को भी लगे, लेकिन नहीं गाइस, ये खाने वाली है। गंदी लड़की। चलो खाते हैं, वरना खाया नहीं जाएगा। हम खा के मिलेंगे। ओके बाय। नए साल में फेवरेट नाश्ता के साथ शुरू करते हैं, सो खा के मिलते हैं। मैंने अभी सुना कि मम्मी ने कचौरी खाई, और मेरी कचौरी कहाँ है? वो रही। पापा कचौरी भी लेके आए? अरे यार, 6 बजे कचौरी लाके रख दी, 7 बजे मैं क्यों लाया। चलो भाई, अरे तो हमारा खींच की बात हो गई थी ना रात में ही,
फिर ये ऐसे कैसे हो गया? तो ओ मुझे लगे मटर कचौरी है। कहाँ है हमारी कचौरी? देखे मटर ना, देखे ओ अगर इसमें समोसे हुए तो मैं भी खाऊंगा, लेकिन मुझे पता है मेरे पापा कभी लेकर ही नहीं आते समोसे, पता नहीं क्या परेशानी है उनको यार। पर छोड़ो, देखो मेरी मम्मा ने सेक्रीफाइस कर ली थी। ये भाप देख पा रहे हो? मैंने इसलिए लो एंगल पे रखा है कैमरा। देखो मैं सौरभ जोशी व्लॉग देख रहा था, उसके अंदर उसके पापा ये बोल रहे थे न्यू ईयर सेलिब्रेशन में कि हमने ना उठते हैं नित्य क्रम करते हैं। मेरा भाई भी नित्य क्रम करके आए और खाने बैठ गए। नए साल कैसे फील दोगी आप? भैया का मतलब फेशियल अब है ना अच्छा लगने लग गया। देखो अम्मा अब तुम्हें सच में मेरा भाई लगता है, वरना पहले नहीं लगता था। सारी बातें करके आ गई हूँ। मतलब कौन सी बातें आप लोग सोच रहे होंगे? सो बातें वो है कि मेरे भैया ने मेरी बेइज्जती करी एज यूजुअल। मम्मी और भैया मिलकर मेरी बेइज्जती करते रहते हैं, नेवर माइंड, मुझे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। और मैं जाऊंगी क्यों? क्योंकि मेरा पति तो 1 लाख रुपए ला रहा था। मुझे लगा मेरा पति तो मेरा देवता है, बोलोगी अभी? नहीं, लाख मैं गंदा भी क्यों करूं? ठंड कितनी है? मैं करवा के नहीं, हेल्दी वे में इस तो मैं वापस ऐसे हो चुकी हूँ, और क्योंकि बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। और अभी हमारे बने हैं दाल बाटी चूरमा, सो लेट्स गो एंड खाते हैं। मैं तो हर बार ही बनवाता हूँ, उसमें नहीं बात क्या है पसंद नहीं है क्या तेरे को? पापा कैसा बना? बढ़िया बना दे वो खाना, दाल बाटी बढ़िया है। तो यूं ही नाटक कर रहा है, तू नहीं खाता, इसका मतलब ये है कि कोई भी नहीं खाता है? मैं खाता हूँ ना। देर इज माई दाल बाटी चूरमा, वी हैव दाल सॉरी बाटी, हमारे पास बाटी है और इसमें दाल है, और भैया लहसुन वाली नहीं खाता इसलिए नाटक कर रहा है। तो खाता हूँ ना, चलो खाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ मैं खाने के बाद, क्योंकि आपके मुँह में पानी देना चाहता हूँ मैं। सो आप इसके अंदर से धुआं उठते हुए देख रहे होंगे, सो मैं हाथ से ही खाऊंगी। ये तो घी का, और मैं ना ये अमरूद की सब्जी भी ले ली, बाटी से अमरूद की सब्जी खाऊंगा। और ये हाथ से खाने का जो मजा वो कहीं नहीं है। सो मैं खाता हूँ क्योंकि बहुत ठंड हो रही है, बाद में मिलते हैं। और ये बहुत गंदी आदत है, आई नो, इस पर बिस्तर पर नहीं खाना चाहिए, पर आज खा लें तो बाद में सब माफ है। को रुक जा अभी साला मोटा कहीं का चेन से, मैं बढ़िया एडिट कर रहा था, एडिट भी नहीं करने देता। सो यस, इसी के साथ हमारा न्यू ईयर होता है खत्म। सो बस कुछ नहीं, नॉर्मल रूटीन था, ज़्यादा कुछ था नहीं। सो मम्मी भैया पापा और अभी सब लोग हैं ना वहाँ पे गए हुए थे। सो जो को नहीं पता मैं बता दूँ, मेरी जो बड़ी दादी जैसे कज़न वगैरह में होती है ना, उनकी डेथ हो गई थी 31st को, 30 को नाइट को हुई थी, लेकिन नाइट को हमारे यहाँ पे उनका दहन नहीं करते। सो 31st को मॉर्निंग में हुआ था। सो ऐसे क्या होता है, हमारे रात में ना सब वहाँ बैठने जाते हैं, मतलब लेडीज़ और जेंट्स जो होते हैं उनके घर पे जाते हैं, थोड़ी देर बातें बातें करके आते हैं, ये सब होता है। सो भैया पापा मम्मी और सब लोग वहीं गए थे, मैं ऊपर एडिटिंग कर रहा था। सो बस यही चल रहा, हमने खाना वाना खाया, उसके बाद ये किया, एंड बस अभी एक और इन्विटेशन आ गया है। सो जो मेरे भैया हैं एक, वो US वापस जा रहे हैं, सो उनकी शादी के लिए आए थे, एंड बस उन्होंने बोला है कि तो वो डेट डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी। सो मैंने डेट डिस्क्लोज कर दिया, मैं बीप कर दूंगी वहाँ। सो वो जल्दी जाने वाले, तो उसके पहले हम सोचा कि एक गेट टुगेदर बनता ही है, सो हम वो भी करने जा रहे थे, उसका इनविटेशन भी आ गया है। सो बहुत जल्दी हम जयपुर जाने वाले हैं। यस, मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है यार। सो इसी के साथ मेरा व्लॉग को एंड करती हूँ मैं। आई नो ये मेरा व्लॉग हियर एंड देयर ऐसा चल रहा था, लेकिन मैं अभी भी देखो भाई सीख रही हूँ यार, हमेशा इंसान को सीखते रहना चाहिए, तो मैं वो सीख रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आप लोग मेरे इस व्लॉग को बहुत प्यार दोगे। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करो गाइज, प्लीज़ गाइज 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 प्लीज़। थैंक यू सो मच एवरी वन,
बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।